टू राजी रहे, जिस तरह का रीजनल सिनेमा बेंगलुरु ट्रेंड कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे और इस फिल्म के बारे में अगर थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताएं? वेल, हमारी गुजराती पिक्चरोने एटलो बधो प्रेम मळी रह्यो छे जेटलो बॉलीवुड पण नथी मळी रह्यो, तो बहुत खुश छूँ कि लोग गुजराती पिक्चर जोवा जाय छे। अने तू राजी रहे एक अलग कंसेप्टनी फिल्म छे, एक नवी फिल्म छे, तो हूँ बस दर्शकों ने एटलू ज रिक्वेस्ट करीश कि जोवा जाय तमारा नजीकना सिनेमाघरों में। क्योंकि ट्रेलर से जितना हमें पता चला है कि बहुत ही फैमिली फिल्म है और एक स्ट्रगल की कहानी है, जो बीमार पड़ता है लड़का और उसको लेके जो स्ट्रगल होती है। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, तमारा सॉन्ग सांभळशो ए पण बहुत मस्त है, अनेक नवा कंसेप्ट साथे आवी रह्या छे अमारा डिरेक्टर हार्दिक भाई। तो इट्स अबाउट कैंसर अने बहुज अलग रीते दर्शावामां आवी रही छे आ वार्ता, तो जरूर थी जोजो। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, सबको बहुत पसंद आया है, एंड इवन आई एम एक्साइटेड टू सी दिस फिल्म राइट नाउ। मैंने 2016 में हार्दिक भाई को कहा कि राजी रह जे, आई एम डूइंग दिस फिल्म, बिकॉज मुझे स्टोरी इसकी बहुत पसंद आई थी, कुछ अलग था। इट्स नॉट लाइक क्लीशे कॉमेडी है या फोर्सफुल कॉमेडी है, इसमें जिन लोगों को कास्ट किया है बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे एक्टर्स को कास्ट किया गया है, सो आई वॉज रियली एक्साइटेड टू वर्क विद देम ऑल्सो, स्पेशली दिव्यांग, अनंत भाई एंड एवरी वन। हाँ, अनफॉर्चुनेटली मेरा उनके साथ सीन नहीं था, बट आई एम रियली प्रिविलेज कि मुझे एक ऐसी फिल्म में एक रोल मिला जहाँ पे वो भी है। सो आई हैव बीन अ फैन ऑफ हिम ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ तारक मेहता एंड इज मैनी वर्क, सो इवन आई वॉन्ट टू सी हिज रोल बिकॉज आई हैवन सीन इट येट। द फिल्म इज़ नॉट अबाउट रोमांस पर्टिकुलरली, इट्स अबाउट कैंसर, इट्स अबाउट द जर्नी ऑफ दिव्यांग, उनकी पूरी जर्नी है, कैसे वो इसमें से बाहर आएंगे, क्या मोटिवेशन मिल रहा है उनको, वो क्या मोटिवेशन देंगे सबको, सो इट्स अ वेरी गुड स्टोरी और एंड में एक आपको बहुत अच्छा सा मैसेज भी मिलने वाला है। I'm just that love part जो दिव्यांग का है, but वो character भी बहुत अलग है, बहुत cute character है, क्योंकि मैंने जब पहली बार सुना था I was ready कि हाँ ऐसा मैंने नहीं किया, so I really want to do this. Thank you. પિક્ચર છે એમાં કેન્સરની વાત છે, એકચ્યુઅલી તો ગવર્મેન્ટે એને ટેક્સ ફ્રી કરવી જોઈએ, કારણ કે સ્ટોરી બહુ જ સરસ છે, મારો દાદીનો રોલ છે એમાં। એક્ટરમાં તો બે ત્રણને ઓળખું છું, હિરોઈન બહુ સ્માર્ટ છે, બહુ સરસ કામ કરે છે, અને છોકરાએ જે હીરો બન્યો છે એને પણ બહુ સરસ કામ કર્યું છે, કારણ કે મેં તો પ્રોમો જોયા છે, હું અમે રહું એ લોકો અમદાવાદમાં સુરતમાં બધું કરતા હોય, એટલે આઈ ડોન્ટ નો એનીથિંગ અબાઉટ ઓલ ધીસ થિંગ્સ। થેન્ક યુ, ઓકે। हिंदी बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। मेरे मन के बहुत करीब है ये कहानी है, जो 2016 में हमने इसको शूट किया था, लेकिन मुझे लगता है कि इस कहानी का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि आज भी वो उतनी ही वैलिड है। तो ट्रेलर का रिस्पॉन्स देख के मुझे ये वैलिडेट हो गया है कि ये बहुत ही एक अलग सब्जेक्ट है, गुजराती सिनेमा के लिए अलग सब्जेक्ट है, मेरे लिए एज अ कैरेक्टर मैंने ऐसा कैरेक्टर कभी नहीं किया, तो मैं होप करता हूँ कि दर्शक इसे देखें, इसे संवारें, इसे इसे प्रतिसाद दें, इसे स्प्रेड करें, जैसे हमेशा होता है गुजराती फिल्मों के साथ के आपने कहिए कि
આપણી ફિલ્મ માણીને આપણે એને કહીએ કે ભાઈ આપણી ફિલ્મ છે, ચલો આપણે આપણે એનું પ્રમોશન કરીએ કે આપણે આપણે એની પબ્લિસિટી કરીએ. મેં કેટલી પણ પબ્લિસિટી કરી છે મારા પાછળની ફિલ્મો માટે. કોઈ પણ પબ્લિસિટી ઓડિયન્સના વર્ડ ઓફ માઉથથી મોટી નથી, એટલે આમાં પણ હું એ જ માનું છું કે ઓડિયન્સનો વર્ડ ઓફ માઉથ સૌથી મહત્ત્વનો રહેશે. અને એવી આશા રાખું છું કે પિક્ચર જોયા બાદ અને પિક્ચર જોયા દરમિયાન તમે બધા જ રાજી રહેજો. અને સ્ટોરી કો દેખ કે જિસ તરહ કા રિસ્પોન્સ મિલા હૈ જો ઇમોશનલ ભી હૈ ઓર ઇન્સ્પિરેશનલ ભી હૈ સ્ટોરી, તો ક્યા કહેના ચાહેંગે ઉસ બારે મેં કુછ કમેન્ટ્સ આયા આપકો ઓડિયન્સ સે? જી મતલબ જબ મેં કેરેક્ટર કર રહા થા તો મેરે લિયે ખુદ કે લિયે બહોત હી એક ઇમોશનલ જર્ની થી, બિકોઝ એક કેરેક્ટર જો એક ફન લવિંગ એક સ્ટેન્ડ અપ કોમેડિયન હૈ, સબ કુછ લાઈફ મેં ઉસે પડી નહીં હૈ સક્સેસ ફેલિયર કી, ઉસે બસ મતલબ અપને મન કી કરની હૈ, ઓર અચાનક સે એક લાઈફ મેં એક એસા સ્પીડ બ્રેકર એક બમ્પ આ જાતા હૈ કે ઉસે બતાયા જાતા હૈ કે કેન્સર હૈ, ઓર ફિર ઉસકી જો જર્ની હોતી હૈ, ઓર હમને ઇસે શૂટ કરતે ટાઈમ ભી ઓલમોસ્ટ લિનિયર શૂટ કિયા થા તાકિ વો પ્રોસેસ સે મેં ગુઝર સકું જો હમ ગુજરે થે. કાફી ડોક્ટરો સે મેરી બાતચીત હુઈ થી, કાફી હોસ્પિટલ્સ મેં મેં ગયા થા રિસર્ચ કે લિયે, પેશન્ટ્સ સે બાત કિયા થા. તો યે દૌરાન જો જો યે ફેઝ હોતા હૈ કે આપ મોત કે બહોત કરીબ હોતે હો લેકિન આપકે અંદર એક હોપ હૈ જીને કી, યે જો ફેઝ હૈ યે મતલબ કોઈ જો ગુઝરા હૈ ઉસસે હી મેં અનુભવ કર સકતા હું, ઓર યે મેરે લિયે બહોત હી એક સ્પેશિયલ કેરેક્ટર હૈ મેં કહુંગા. યસ દિવ્યાંગ જી, મેરા એક સવાલ યે હૈ જી, ઇસી તરહ કે રોલ હમને પહેલે ઈ કે હી દેખે સે બહોત હી લિમિટેડ જી આનંદ ફિલ્મ મેં દેખા થા જી 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 ને કિયા થા જી જી, એક હી ઇન્સાન કો દો ડિફરન્ટ જી બહુ ચેલેન્જિંગ હોતા પ્રિપેરેશન. મેં જૈસે આપકો બતાયા કે મેઇન પ્રિપેરેશન યહી હૈ કે મેં ઉન પેશન્ટ્સ સે મિલું, ઉન લોગો સે મિલું જો ઇસ એસી બીમારીઓ સે લડે હૈ ઓર ઉસમે સે બહાર આયે હૈ, ઓર એસે બહાર નહીં આયે કે મતલબ રોતે મુંહ સે દવાઈયાં લેકે ડોક્ટર કે ભરોસે બહાર આયે હૈ, અપને વિલ પાવર કે દમ પર બહાર આયે હૈ, એસે લોગો સે મેં મિલા તો ઉનકી સ્ટોરી જાણકર જો મુજે ઉનસે જો કેરેક્ટર ટ્રીટ્સ મિલે વો મેને ટ્રાય કિયે હૈ કે મેં ઇસમે ડાલું મેરે કેરેક્ટર મેં, ઓર મેને અપને આપ કો મતલબ મેને જબ ખુદ ફિલ્મ દેખી તો ભી મેને અપને આપ કો દેખા, મેને કહા કે યે એક્સપ્રેશન્સ યે દુનિયા યે મેને જો કિયા હૈ વો મેને ખુદ સે કભી એક્સપેક્ટ નહીં કિયા થા, ક્યુંકિ મેં ઇતના ઇતના ડૂબ ગયા થા કેરેક્ટર મેં ઓર ઇતના મજા આ રહા થા મુજે કરને મેં કે મેરે લિયે એક બહોત હી સ્પેશિયલ જર્ની રહી હૈ. સર સુરત મેં જો સ્ક્રીનિંગ હુઈ ઉસકો લેકે કિસ તરહ કા રિસ્પોન્સ થા? જી બહોત અચ્છા રિસ્પોન્સ હૈ, મેં અભી મેં પૂછ રહા થા ઇનસે, અનફોર્ચ્યુનેટલી મેં જા નહીં પાયા, બટ બહોત હી અચ્છા રિસ્પોન્સ થા સુરત મેં ઓડિયન્સ સે, તો મેં હોપ કરતા હું કે યે વર્ડ ઓફ માઉથ જો હૈ વો કેરી ફોરવર્ડ હો, ઓર કલ સે લેકર હી કાફી લોગ બડે તાદાદ મેં બડે ગ્રુપ્સ મેં પરિવાર ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલી સારે મિલકે યે ફિલ્મ દેખને જાયે. તો પહેલી થી જો એક્ટ્રેસ ભી યહાં પર હૈ તો અગર સાથ મેં આ જાયે. યા યા શ્યોર. આઈ મેમ આ જાઓ આ જાઓ મેમ આ જાઓ. સાથ કે સાથ કે બાદ આપકો લગતા હૈ કે એક્સપેક્ટેશન આપસે ઓર ભી જ્યાદા બઢ ગઈ હૈ? બહોત રહી હૈ મેડમ. ક્યા વો ચીઝ કા પ્રેશર હૈ યા ફિર મતલબ એક્સાઇટમેન્ટ હૈ? જી જયેશ ભાઈ જોરદાર, મેરે લિયે એક બહોત યુનિક એક્સપિરિયન્સ થા, એક્ચુઅલી પૂરી ઇન્ડસ્ટ્રી કે લિયે બહોત યુનિક એક્સપિરિયન્સ હૈ, ક્યુંકિ અભી લોગો કા બહોત ક્લિયર હૈ કે વો થિયેટર મેં જાયેંગે તો વો લાર્જર દેન લાઈફ એક્શન ફિલ્મે દેખને જાયેંગે, ઓર ઉન્હેં જો ઇન્ટિમેટ ફિલ્મે હૈ કોન્ટેન્ટ ફિલ્મ્સ હૈ વો ઉન્હેં OTT પે દેખની હૈ. તો OTT પે આને કે બાદ હમે ઇતના ઇતના જ્યાદા વર્લ્ડ વાઇડ મુજે મતલબ સર્બિયા સે મેસેજ આ રહે હૈ, રશિયા સે, મતલબ UAE સે, USA સે, લંડન સે, જો લોગ હિન્દી ભાષી નહીં હૈ વૈસે વૈસે લોગ મેસેજ કર રહે હૈ મુજે, ઓર ઇતના ઓવરવેલમિંગ હૈ હમારે લિયે પૂરી ટીમ કે લિયે કે ઇતની જ્યાદા યુ નો ઉસકો વ્યૂઅરશિપ ઓર ઇતની જ્યાદા અપ્રિસિએશન મિલી હૈ OTT પે. તો ડેફિનેટલી મેં જયેશ ભાઈ જોધાર કે બાદ મેરે ખુદ સે અપને આપ સે મેં એક્સપેક્ટેશન બઢ ગઈ હૈ મેરી, ઓર યે હમને જો જબકિ 2016 મેં હમને શૂટ કિયા થા જાનકી ઓર મેને, બટ તભી ભી જબ શૂટ કર રહે થે બહોત મજા આયા થા આઈ ગેસ, ઓર હમારી પહેલી ફિલ્મ એક સાથ થી ઓર આઈ વોઝ રિયલી લુકિંગ ફોરવર્ડ ટુ વર્કિંગ વિથ હર, ક્યુંકિ છેલ્લો દિવસ જબ આઈ થી તબ મેને ઇનકો પહેલી વાર દેખા થા એન્ડ આઈ વોઝ અ બિગ ફેન ઓફ હર એક્ટિંગ, એન્ડ રિસેન્ટલી નાડી દોષ ઇઝ ઓલ્સો ડન વેરી વેરી વેલ ફોર હર, સો યુ નો આઈ હોપ દેટ દેટ ઓલ્સો કેરી ફોરવર્ડ્સ ટુ રાજી રે. હા, આપ ક્યા લગતા હૈ કે એક ભી જિંદગી
यार मेरा वही मानना होता है मेरा हर काम से एक्चुअली जयेश भाई जोरदार से भी मेरी एक्सपेक्टेशन यही थी कि पिक्चर का काम क्या है एंटरटेन करना तो पहली बात तो है कि सब लोग मतलब हंसी खुशी घर जाने चाहिए बिकॉज आज के माहौल में 2 साल कोविड के बाद किसी को आके डिप्रेस नहीं होना है थिएटर में तो पहले आए अपना एंटरटेन हुए परिवार के साथ हंसे रोए और फिर ऐसे मन भर के वापस घर गए पहला ऑब्जेक्टिव वो है दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप क्या मतलब जो एक सीड प्लांटिंग होती है एंटरटेनमेंट के साथ साथ वो आप क्या कर रहे हो कि कहीं कॉन्वर्जेशन में कहीं कोई अगर ऐसी हेल्थ इश्यूज से जूझ रहा है जैसे जयेश भाई जोरदार में हमने पेट्रियार्की का मुद्दा लिया था मैस्कुलिनिटी का मुद्दा लिया था तो काफ़ी मैंने देखा कि इंटरनेट पे मुझे ऐसे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि लोग अपना एनालिसिस कर रहे हैं फिल्म का उसमें मैस्कुलिनिटी का एनालिसिस कर रहे हैं पेट्रियार्की का एनालिसिस कर रहे हैं कॉन्वर्जेशंस कर रहे हैं तो यही एक फिल्म मेकर के लिए सबसे बड़ी जीत है कि आपने कुछ कॉन्वर्जेशन स्पार्क कर लिए जिंदगियाँ तो आप नहीं बदल सकते बहुत बड़ी बात है ज़िंदगी बदलने के लिए तो खुद के अंदर एक जज्बा चाहिए बट हम एज फिल्म मेकर एज एक्टर्स कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन ज़रूर स्टार्ट कर सकते हैं हमारे सिनेमा के जरिए जानकी जी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा दीवान के साथ बहुत अच्छा रहा मैंने इनकी फिल्म देखी थी बेयार के विरिते जयेश सारी फिल्में देखी थी मैंने कि आई वॉज रियली एक्साइटेड एंड नर्वस टू वर्क विथ हिम और काम करके इतना अच्छा लगा मतलब लगा ही नहीं कि मैं बहुत बड़े स्टार के साथ काम कर रही हूँ very humble is very down to earth and still he is I mean Divyang as a director kya kehna chahenge Divyang ke bare mein maine itna acha main attend nahi kar payi premiere but I was like really happy for him main unko personally call karna chahti thi but I'm sorry I didn't but actually I really wanted to because wahan tak pahunchna ye bahut badi baat hai aur ye wahan pe pahunche aur inhone itni behtareen film banayi hai Jayesh bhai Jordar itne acche reviews aa rahe hain so congratulations for that really congratulations madam baat kare aap jaise mein jo film mein direction bhi kar chuke hain isme acting kitna interesting ho jata hai जी मेरे लिए तो स्टोरी टेलिंग बहुत मज़ेदार है मतलब मैं अपने आप को एक टूल मानता हूँ कि कभी एक्टिंग कर ली कभी डायरेक्शन कर लिया कभी राइटिंग कर ली तो कहानियाँ हैं अंदर अगर कहानी ऐसी मिलती है जो जिसमें लगता है कि अभिनय करना है तो अभिनय कर लेंगे जिसमें लगता है कि लिखना है तो लिख लेंगे बिकॉज कहानियाँ मुझे लगता है कि आज के दौर में स्पेशली पोस्ट कोविड के दौर में जो हमें हमारे खुद के पर्सनल प्रेशर्स से बाहर ले आएगा वो है कहानियाँ वो है अच्छी कहानियाँ इंस्पिरेशनल कहानियाँ एंटरटेनिंग कहानियाँ तो कहानीकार के ज़रिए मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैं किसी भी ज़रिए पूरी करूँगा एज एन एक्टर ऑल्सो एज ए डायरेक्टर ऑल्सो एज ए राइटर ऑल्सो सो इट्स ऑल द सेम फॉर मी मुझे सब करने में मज़ा आता है देवांग आखिर में आपसे जानना चाहूँगा 2016 में आप लोगों ने फिल्म शूट की थी तब जो है नट्टू काका थे फिल्म में अब जो है हमारे बीच में नहीं है कितना इमोशनल होते हैं फिल्म देखने के बाद ऑन स्क्रीन मैंने जब सीन शूट किया था उनके साथ तो मुझे याद है कि हमने हॉस्पिटल में शूट किया था और काका वो एक ही सीन के लिए आए थे और पूरा मोहल्ला भर गया था उनके लिए हॉस्पिटल सारा भर गया था इतना प्यार और वो इतना प्यार आते आते भी वो लोगों को इतना प्यार देते देते आए जब वो सेट पे आए तब तो वो बतौर एक्टर ही नहीं बतौर इंसान इंस्पिरेशनल थे मेरी मुलाकात एक ही बार हुई लेकिन वो मुलाकात छप गई है मेरे दिमाग में क्योंकि एक तो उनका रोल ऐसा था कि मेरा एक टर्निंग पॉइंट है फिल्म में उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं तो वो रोल बहुत अहम था और जिस तरीके से उन्होंने निभाया मतलब एक मोनोलॉग था बहुत बड़ा वो आए उन्होंने एक बार अपनी लाइनें देखी और बिना कुछ मतलब हम लेते हैं बहुत टाइम मग अप करने के लिए वो कुछ नहीं उन्होंने एक बार देखी और उन्होंने सारी बोल डाली और दिल से बोल डाली और ट्रूली जब हम एक्टिंग करते हैं तब हम वो मोमेंट ऑफ ट्रूथ ढूंढते हैं तो मैं कई बार वो ऐसे ढूंढता हूँ कि मुझे पता नहीं है कि मेरे लिए वो मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब कैमरा गायब हो जाता है जब मुझे लगता नहीं है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ तो नट्टू काका के साथ मुझे वो एक्सपीरियंस हुआ कि वो जब मुझे कुछ कह रहे थे फिल्म के अंदर तो मुझे याद नहीं है कि मेरे आसपास क्या था मैं सिर्फ उनकी बात सुन रहा था और वो जिस मन से उन्होंने बात कही थी मुझे वो आज भी मेरे साथ रही है
और वो केवल फिल्म में ही एप्लीकेबल नहीं है, मेरे लिए वो लाइफ में एप्लीकेबल है कि अगर मैं उनका 2% भी वो बात जो उन्होंने कही है वो ले सकूँ मेरी ज़िंदगी में, तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा और मैं उनकी ही ब्लेसिंग समझूंगा कि आज ये फिल्म रिलीज़ हो रही है 4 साल बाद। आई थिंक नट्टू काका कहीं ऊपर हेवन से हमें ब्लेस कर रहे हैं और मैं उन्हें आज यहाँ पे अगर वो कहीं हैं तो आई वॉन्ट टू कॉल हिम हियर कि नट्टू काका आप प्लीज़ आप इन स्पिरिट आकर हमारे साथ फिल्म देखिए और यू नो उनका बहुत स्पेशल रोल है, मैं कभी नहीं भूल सकता उनको। वंडरफुल जय मो बॉस। नहीं मैं बिल्कुल, मेरी मातृभाषा है गुजराती, मारी मातृभाषा छे अने मारी मातृभाषामां हूँ एक्टिंग करतो रहीश अने डिरेक्शन राइटिंग जे होय पण मारे वधारे एक्टिंग थी मारू जे अभिनयनी कला छे ए मारे वधारे गुजराती फिल्म्समां एनो यू नो प्रदर्शन करवो छे। आई फील के हूँ थिएटरथी आव्यो छूं तो मैं घणा बधा कैरेक्टर्स कर्या छे थिएटर स्टेज उपर अने मने लागे छे के अभिनय फिल्मना अभिनयना क्षेत्रमां हजी मैं मारी रेन्ज बतावी नथी। आई टू राजी रे इज वन स्टेप फॉरवर्ड पण मने लागे छे के बहु ज छे मारा अंदर जे एक्सप्लोर करवा जेवुं छे अने मारे मारी मातृभाषामां एक्सप्लोर करवुं छे एटले डेफिनेटली गुजराती फिल्म्स आवशे तो हूँ जरूर करीश अने करतो रहीश। रितेश आर्ट की कोई लैंग्वेज नहीं होती है, आर्टिस्ट भाई साहब साइलेंस और लैंग्वेज इज नॉट बैरियर फॉर अ परफॉर्मर। रणजीत जी तीनों एक साथ अपनी पास चार्ली चैप्लिन उसकी कोई लैंग्वेज ही नहीं थी पर शी पीपल लव्ड हिम लैंग्वेज नो रितेश आ रहा है मैं तो साउथ इंडियन फिल्म भी देख रहा हूं लाइक ये फिल्म भी सब्जेक्ट के लिए देखने के लिए रजनी जी एक बहुत ही हमारे नजीब एक्टर है और बहुत अच्छे का प्रयोग कर रहे हैं और ये हमेशा का पकड़ लेते हैं प्रिंस जी आप आइए मैडम जी देखते हैं इन्होंने बताया कि फिल्म है बहुत अच्छी मतलब जिंदगी जीनी चाहिए नेवर गिव अप इनका अच्छा फिल्म है कल गया देखने इंटरवल कब हो गया पता नहीं चला पिन ड्रॉप साइलेंस थे जैसे कि वो रोड लेफ्ट हैंड देखते राइट हैंड देखते इस बॉय दिव्यांग उनका स्वाद पूरी फिल्म मुझे 25 साल हो गए यहाँ पर आप परफॉर्मेंस करते हुए लेकिन मैंने कल और सब सीख के उसकी इन्वॉल्वमेंट उसका फोकस सबसे ज़्यादा है तो हर डिपार्टमेंट बहुत शो गुड बहुत अच्छी फिल्म बनाई है हार्दिक बट्टी ने बहुत प्यारी डायरेक्शन दिए थी स्वीक इतनी शार्प एडिटिंग है आपको सोचने का टाइम नहीं मिलता लेकिन हाँ मैंने कल इंटरवल तक फिल्म देखी थी रात के 1 बजे की ट्रेन पकड़ी थी सुबह शूट में आना था मैं फिल्म से शूट पे आना था वापस फिर आना जैसे एक शेर में है इस फिल्म का पूरा इंसान वो है जो हर मौसम के सितम सहता है इंसान वो है जो हर मौसम के सितम सहता है अरे पत्ते तो गिरते रहते हैं और पेड़ फला रहे थैंक यू थैंक यू है इस फिल्म का पूरा थीम है हर बेपत्ती है Thank you very much. Congratulate the team and amazing काम हो रहा है यू नो रीजनल सिनेमा इज डूइंग वेरी वेरी वेल एंड जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल कोई साउथ फिल्म नहीं रही है सब कुछ हमारा एक पूरा पैन इंडिया हो गया है सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट द टीम एंड द मेकर्स डायरेक्शन भी किया जेल का एक बार और अब जो एज ए एक्टर भी उस फिल्म में दिखाई दे रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस देखने को मिला है फिल्म रिलीज होने वाली है गुजराती सिनेमा इंडिया में काफ़ी अच्छा करेगी इससे एक्साइटेड है।
बजा पड़े थे, आजकल दो बजा एवरीथिंग है बढ़ते थे। मैंने दिव्यांग सारे तो मैं फिल्म करी थी जासमी, एटले आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दिव्यांग, एटले आई एम श्योर आई एम वेरी एक्साइटेड कि आप लोग गुजराती इंडस्ट्री आटी सारी सारी फिल्म बना रहे हैं, कि जे दिव्यांग एक्टर पर छे अने डायरेक्ट पर करे छे, सब सो एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड। मैंने हिंदी में बोला, मैंने वही बोला दिव्या के साथ तो मैंने खुद फिल्म किया है चासड़ी, मेरा जो लास्ट फिल्म था वो दिव्या के साथ ही था, तो एज एन एक्टर इज सुपर एंड रेशमा जोरदार तो देखी है मैंने, तो दैट्स एब्सोल्युटली अ जोरदार फिल्म, बहुत मजा आया, आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच दिस फिल्म। थैंक यू। पहला तो एक जो बात करीस कि हूँ जो बोली से गुजराती में करते हैं गुजराती फिल्म से हमारी ऑडियंस सुधी बात पहुँचे ट्राई करी मैं तो फिल्म ने जो नहीं जीवी लीधी है मैंने हूँ पर ऑडियंस ये कहीश कि तब ऑब्वियसली आ फिल्म ने जीवशो जोशो नहीं અને કેવો એક્સપિરિયન્સ હતો દેવાંગ સાથે જાનકી સાથે? દેવાંગ તો પોતે એક ડિરેક્ટર છે, શું સેટ ઉપર કેવી રીતે એક્ટરને જે બિહેવ કરતો હતો તે? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો જ્યારે મેં આ ફિલ્મ નક્કી કરી કે આ ફિલ્મ બનાવી રહ્યો છું પૂરા જીને, એનું થોટ્સ અને પ્લાનિંગ જે ટાઈપના હતા, તો એનું જે કેરેક્ટર છે પાર્થ, પાર્થમાં દિવ્યાંગ ઠક્કર સિવાય કદાચ કોઈ ફિટ જ નહોતું, આજે પણ નહીં કાલે પણ નહીં, અને આને કદાચ ફરીથી બનાવવાની થાય તો પણ દિવ્યાંગ ઠક્કર જ એક બેસ્ટ ઓપ્શન છે, અને એણે અદ્ભુત કામ કર્યું છે મારી ફિલ્મની અંદર. દિવ્યાંગની જગ્યા પર હું કદાચ કોઈને નહીં મૂકી શકું. અને અમે લોકોએ જ્યારે પણ આ ફિલ્મ બનાવવાનું નક્કી કર્યું ત્યારે બહુ જ રિયલ સ્ટોરીની અંદર રિયલ પેશન્ટો સાથે ડૉક્ટરો સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરેલું છે, અને બહુ ઓબ્ઝર્વેશન કરીને આ ફિલ્મ બનાવવામાં આવી છે, અને દિવ્યાંગે એની ઉપર ખૂબ જ મહેનત કરી છે, અને હું એના માટે ખૂબ ખૂબ આભારી છું કે એને આ ફિલ્મ સ્વીકાર કર્યો અને મારી ફિલ્મને ન્યાય આપ્યો. ત્યાંની સ્ક્રીનિંગનો રિસ્પોન્સ હું કહું એની કરતાં તમે ઓડિયન્સ પાસે દિવસ વધારે સારું. यानी मैंने तो आप लोग सबके सामने थोड़ा सा ही यू नो गाना गाया, और उसमें ही मेरे जो फैंस हैं हमालियंस जो है उन लोग सब ने इतना प्यार ऑलरेडी दे दिया गाने को, तो मैं यानी मेरे लिए प्री रिलीज सक्सेस हो गया फॉर द सॉन्ग. यू नो बहुत टाइम लगता है गाने को लोगों को दिल में जगह बनाने, बट ये गाना आते ही इट्स रिस्टोर्ड एवरीवेयर, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल, वेरी हैप्पी. जी व्हाट रिस्पांस यू गॉट फ्रॉम लाइक व्हाट कॉम्प्लीमेंट यू गॉट फ्रॉम दिस सॉन्ग? पहला वीडियो देख के तो यही बोला कि आप है वीडियो में, ये वीडियो आपने किया है. सो आई थिंक मेरा जो जो कॉस्ट्यूम्स हैं, जो मेरा पूरा अटायर लुक है, इट्स वेरी इंडियन, वेरी एथनिक, एंड इट्स वेरी डिफरेंट टू व्हाट आई एम इन रियल लाइफ, तो आई थिंक वो